बात करें Vivo V21 सीरीज की तो दोस्तों Vivo ने अपने रिसेंटली ही Vivo V21 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया था, जिसका दोस्तों उन्होंने 30,000 प्राइस रेंज रखा था। और दोस्तों रिसेंटली आपको Vivo की एक Y सीरीज में भी आपको एक और नया स्मार्टफोन देखने को मिला था, Vivo Y73, जो दोस्तों 21,000 के प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ था, जिसके दोस्तों मैंने आपको अनबॉक्सिंग भी इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की है, जो दोस्तों आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। और दोस्तों अगर हम बात करें इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स की, तो दोस्तों Vivo Y73 21,000 के प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ था, और जो Vivo V21 5G स्मार्टफोन था वो दोस्तों 30,000 के प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों कुछ ऐसी खबर सामने निकल आ रही है कि दोस्तों Vivo एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है इन दोनों प्राइस रेंज के बीच में, जो दोस्तों होगा Vivo V21e स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन दोस्तों अभी के लिए सिर्फ मलेशिया में ही लॉन्च हुआ है, जो दोस्तों एक 4G स्मार्टफोन है, 4G वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है। बट दोस्तों कुछ ऐसे खबर सामने निकल आ रही है कि Vivo की तरफ से कि दोस्तों जो Vivo का V21e स्मार्टफोन होगा, जो दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा, वो दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन होगा, जो दोस्तों आपको 24,000 से 25,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें इसी Vivo V21e स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सबसे पहले दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं इसी के डिजाइन से। डिजाइन दोस्तों बिल्कुल स्लीक होने वाला है, अराउंड दोस्तों आपको 7.3 mm या 7.2 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी। वेट भी दोस्तों आपको 170 ग्राम के नियर अबाउट देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों काफी ज्यादा स्लिम फोन होने वाला है, जैसे दोस्तों आपको Vivo V21 स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसी फोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों इसमें आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में, जिसमें दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप वाली नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों हम बात करें कैमरा की, तो दोस्तों इसमें आपको पीछे की साइड 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 64 MP का यहाँ पे प्राइमरी कैमरा होगा, 8 MP का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, और 2 MP का यहाँ पे डेप्थ कैमरा होगा। और फ्रंट पे दोस्तों आपको इस बार 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो दोस्तों भी आपको पता ही है कि Vivo के दोस्तों कैमरास काफी ज्यादा शानदार होते हैं। पर Vivo V21 5G स्मार्टफोन में आपको 44 MP का कैमरा देखने को मिलता था फ्रंट कैमरा, जो दोस्तों OIS के साथ में आता था। अगर दोस्तों हम बात करें इसी फोन की बैटरी की, तो दोस्तों इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वो भी दोस्तों 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ में, जो दोस्तों हाँ थोड़ी सी कम बैटरी है। बट दोस्तों Vivo के जो दोस्तों सारे फोन होते हैं, वो दोस्तों परफॉर्मेंस और बैटरी में कम ध्यान रख के इसी के डिजाइन और कैमरा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों इसी का डिजाइन को पतला बनाने के लिए, फोन को स्लिम बनाने के लिए Vivo यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल करेगा, जो दोस्तों नो डाउट आपकी पूरा दिन बैटरी आराम से निकाल देगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसमें आपको फ्रंट टच OS 11 देखने को मिलेगा, जो दोस्तों एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, फेस अनलॉक होगा, सारे आपको सेंसर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों काफी ज्यादा दोस्तों कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है Vivo V21e, जो दोस्तों आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा इंडिया में। ये दोस्तों आपको नियर अबाउट 24,000 से 25,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इसी फोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें आपको MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो दोस्तों एक 5G चिपसेट है। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पहले कि दोस्तों इसमें आप हाई एंड गेमिंग नहीं कर पाओगे इस चिपसेट में, क्योंकि दोस्तों ये चिपसेट वेल ऑप्टिमाइज नहीं है अभी तक। तो क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप अगर पबजी खेलोगे या कोई भी गेम खेलोगे, तो दोस्तों इसमें आप हाई सेटिंग्स पे जाके स्मूथली गेम को नहीं प्ले कर सकते। हाँ दोस्तों आप मीडियम सेटिंग्स पे जाके इसी कोई भी गेम को इस चिपसेट के साथ में अच्छे से प्ले कर पाओगे, अच्छे से खेल पाओगे। तो दोस्तों एक नॉर्मल चिपसेट है, नॉर्मल फोन है, नॉर्मल 5G चिपसेट है, हाई एंड चिपसेट में इसी MediaTek Dimensity 700 को नहीं बोल सकता। वैसे दोस्तों एक नॉर्मल चिपसेट है, काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है। तो दोस्तों ये तो पूरी कहानी थी Vivo V21e स्मार्टफोन की, पूरी मैंने आपको दोस्तों स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं Vivo V21e स्मार्टफोन की। अभी दोस्तों ऐसी कुछ सामने डेट नहीं निकल कर आ रही है कि दोस्तों Vivo V21e स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, पर दोस्तों ये आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही टेक न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को भी जाके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।